एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आईसीएमई एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन, जो कि नेटवर्क थ्योरी का फोर्थ नंबर क्वेश्चन होने वाला है, जो मैंने अभी जस्ट अपलोड करना स्टार्ट किया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज फॉर नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, सो ये फोर्थ क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को एक बार आप वीडियो को पॉज करो, अगर आप ये क्वेश्चन जो मैंने फेसबुक में अपलोड करके रखा हुआ, फेसबुक ग्रुप है मेरा वहां पे, तो वहां पे जितने भी स्टूडेंट है वो सब सॉल्व किए होंगे। और आप अगर इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इस वीडियो को एक बार पॉज करो और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, सो चलो तो क्वेश्चन का डिस्कशन करें। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। सर ये एक्स एंड वाई कहाँ पे, ये मेरे पास एक्स एंड वाई, इसके बीच का अपने को पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसके बीच का वोल्टेज अपने को फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स एक्स एंड वाई इन द नेटवर्क शोन बिलो विल बी वोल्ट्स में आपको फाइंड करना है। तो भाई अपने को यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सर पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक, इसका मतलब है कि मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे फ्रॉम फिगर वी कैन राइट द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स वी एक्स माइनस वी वाई, ये अपने को यहाँ पे फाइंड करना है। या फिर इसको आप लिख सकते हैं सर वी एक्स वाई इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी वाई, ये अपने को फाइंड करना है क्वेश्चन में। ठीक है, अभी क्वेश्चन खास क्यों है, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन पे। ठीक, अब अगर ये दो नोड अपने पास लिखे हुए हैं एक्स एंड वाई, तो आप देख रहे होंगे कि दोनों नोड आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब है कि वी एक्स इस नोड की बात करें, इस वी वाई की बात करें, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपने को फाइंड करना है। तो भाई अगर मैं इस सिंपली इस नोड की बात करता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि सर यहाँ पे मेरे पास ये नोड के रिस्पेक्ट में अगर अपन देखें, तो लेट सपोज मैंने इस नोड के रिस्पेक्ट में ग्राउंड लिया हुआ। ठीक, ये और मैं इस नोड के रिस्पेक्ट की बात करूं यहाँ पे, तो इस नोड को मैं बोलूं यहाँ पे ये नोड मेरे पास है, तो ये हो गया मेरे पास, इसको मैंने वाई किया और ये यहाँ पे नोड लगाया ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, तो आपको जो भी फाइंड करना है एक्स और वाई के बीच करना है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे केवल फॉर्म करता हूं एक्स टू वाई, ये आप देख सकते होंगे यहाँ पे कि मैं एक्स टू वाई यहाँ पे केवल अगर फाइंड कर दूं, तो मुझे वी एक्स और वी वाई दोनों इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके पोलैरिटी की बात करता हूं, तो अगर मैं सिर्फ नोड एक्स की बात करता हूं, तो ये हो गया मेरे पास प्लस और माइनस वी एक्स, ये नोड यहाँ पे आप ले सकते हैं इसको वी एक्स। और मैं अगर इसकी बात करता हूं, तो ये हो गया मेरे पास प्लस और माइनस, इसको मैं लिख रहा हूं वी वाई। ठीक, तो वी एक्स माइनस वी वाई और उसी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं यार, केवीएल सजा देते हैं वहां पे। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे केवीएल। केवीएल हम लोग कहां पे लिखते हैं ऑलवेज, सर केवीएल हम लिखते हैं ऑलवेज केवीएल, केवीएल की बात कर रहा हूं यहाँ पे, केवीएल हम लिखते हैं हमेशा एक क्लोज लूप में। ठीक, और अगर मैंने केवल यहां से स्टार्ट किया, जैसा आप देख पा रहे होंगे मैंने ग्राउंड से स्टार्ट किया केवल, ये ग्राउंड से स्टार्ट किया, डायरेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, ये डायरेक्शन है केवल का और उसके बाद मैं यहाँ पे ग्राउंड पे ही एंड हो रहा हूं ये। ठीक, तो अगर मैं केवल से जा रहा हूं, पहली बार आपके दिमाग में ये आएगी कि भाई अपन केवल लिखी क्यों रहे हैं यहाँ पे। सर अगर आप देख रहे होंगे कि इस नोड से इस नोड तक अपने को ट्रेवल करना है और उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो उस बीच आप देखोगे सर यहाँ पे एक 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और इसी बीच में आपको इस केवीएल अगर फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको करंट नहीं पता है, समझ में आ रही बात, यहाँ इस ब्रांच का अपने को करंट नहीं पता है, इस ब्रांच का भी अपने को करंट नहीं पता है, इस ब्रांच का भी अपने को करंट नहीं पता है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन पहले तो केवीएल सजा लेते हैं यहाँ पे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केवीएल यहाँ पे, सबसे पहले मैं ग्राउंड से स्टार्ट किया, तो मुझे दिखा माइनस प्लस वी एक्स, इसका मतलब माइनस वी एक्स। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे उतर रहा हूं, तो मुझे दिखेगा यहाँ पे प्लस। अब सर यहां पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है 3 ओम रेजिस्टर के क्रॉस, पता नहीं। ठीक, तो मैंने अज्यूम किया यहाँ पे कि लेट सपोज मेरे पास जो करंट फ्लो है वो है आई आई वन। ठीक, और वैसे ही अपने को इस 3 ओम के क्रॉस जो रेजिस्टर है उसके क्रॉस वोल्टेज पता नहीं है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चलो लिया हुआ है लेट सपोज यहाँ पे आई टू। ठीक है, तो अब जो डायरेक्शन है मेरा केवीएल का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, और ये जो I1 है उस 3 ओम के रेजिस्टर में अपवर्ड फ्लो है, मतलब ये अपोज कर रहा है, इसलिए अपोज कर रहा है, दैट मींस मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे सर माइनस 3 आई वन। ठीक, उसके बाद माइनस 4, दिस वन माइनस प्लस 4, ये देखो कोई दिक्कत नहीं अपने पास, ये अपने पास हो गया माइनस प्लस 4। ठीक,
उसके बाद मुझे देखा 3 ओम, सर 3 ओम के क्रॉस कितना यहाँ पे करंट फ्लो है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लस 3 I2, तो I2 का डायरेक्शन वही है जो अपना केवल का डायरेक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन नीचे उतर रहे हैं तो अपने पास वी है, वाई नोट मिल रहा है और अपन ग्राउंड पे एंड हो रहे हैं, तो अपने को सबसे पहले क्या मिल रहा है, प्लस और माइनस, मतलब प्लस मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस वी वाई इज इक्वल टू 0। तो साइन का अपने को पूरा ध्यान रखना है, अगर आपने कहीं पे भी मिस्टेक किया तो आंसर तो आएंगे लेकिन इनकरेक्ट होंगे वो, इसलिए मैं यहाँ पे खासा ध्यान देता हूँ पोलैरिटी का जब भी मैं नेटवर्क थ्योरी पढ़ाता हूँ, क्योंकि अपने को आंसर जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर है, क्वेश्चन है, मतलब अपने को फिल द ब्लैंक क्वेश्चन की बात करनी, मतलब आप जज नहीं कर पाओगे कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा, ये हो गया वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू माइनस 3 I1 माइनस 4 प्लस 3 I2, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब है कि मुझे I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो चलो I1 I2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो फिर से केवल लगाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे केवल फाइंड कर रहा हूं, केवीएल एट लूप I1, ठीक है। इस लूप की अगर बात करें यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे लिखिएगा सर माइनस और ये प्लस, दैट मीन्स माइनस 2 प्लस 2 I1, ठीक है, प्लस 3 I1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 5 I1 इज इक्वल टू 2। तो I1 की वैल्यू मेरे पास आ गई सर 2/5, आप देख सकते हैं यहाँ पे I1 की वैल्यू 2/5 एम्पियर आ चुकी है। नेक्स्ट एक और केवीएल लगा लेते हैं, तो केवीएल एट लूप I2, देखो इस लूप की बात कर रहे हैं यहाँ पे I1 I2 फाइंड करना है, I1 मिल चुका है आपको, तो अगर मुझे यहां लिखना है तो मैं लिखूंगा माइनस 4 प्लस सर 5 I2 प्लस 3 I2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये हो गया मेरे पास 8 I2 is equal to 4, that means I2 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है सर 1/2 एम्पियर, ये एम्पियर में आ रहा है अपने पास क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो ओम में गिवन है, ठीक, दोनों की वैल्यू आ चुकी है, बस आपको पुट करना है यहां पे। सो इक्वेशन नंबर 1 से मैं अगर पुट करता हूं यहां पे, ये यहां पे पुट कर रहा हूं मैं, तो मुझे मिलेगा सर vx माइनस vy, यही तो अपने को फाइंड करना था vx y, आप देख सकते हो मैंने कैसे लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद माइनस 3 × 2/5 माइनस 4 प्लस 3 × 1/2, चलो इसको सॉल्व किया जाए, बढ़िया सा मजा आएगा। तो ये हो गया अपने पास माइनस 6/5 माइनस 4 प्लस 3/2, चलो इसका एलसीएम निकालते हैं, तो अपने पास एलसीएम कितना मिलेगा सर 10, ये 10 अपने पास एलसीएम मिल रहा है, तो ये हो गया मेरे पास माइनस 12 माइनस 14 और यहां पे प्लस कितना अपने पास सर 15, तो इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो भाई अपने पास ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 15 कितना हुआ, माइनस 12 प्लस 15 सर प्लस 3, तो मेरे पास vx माइनस vy दैट इज vxy इसकी वैल्यू आ गई प्लस 3 माइनस 40 मतलब माइनस 37 डिवाइड बाय 10 दैट मींस माइनस 3.7 वोल्ट्स, तो ये इसका मेरे पास आंसर है। अगर आपने कहीं पे भी मिस्टेक किया, कहीं पे भी मिस्टेक किया तो आपका आंसर कुछ और भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, तो पूरा यहाँ पे अंदाजा होना चाहिए आपको केवीएल आप कैसे लगा रहे हो, ओम्स लॉ कैसे यूज कर रहे हो, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक। तो उसका अपन ध्यान रखिए सब कुछ, और अपने पास जो फाइनल आंसर मिल रहा है और उसकी वैल्यू है माइनस 3.7 वोल्ट्स, ठीक। अब इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कशन में इसलिए लिया हुआ है, कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो vx लिखा हुआ है, मतलब ये जो एक्स नोड है और ये वाई जो नोड है, वो ये सोचते हैं कि ये नोड से इस नोड के बीच की बात हो रही है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, वो लोग ये सोचते हैं कि जो एक्स है वो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, यहीं पे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये जो एक्स नोड है वो आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि यहां का पोटेंशियल 3 ओम के क्रॉस है, समझ में आ रही बात, ये एक्चुअली ग्राउंड से यहाँ पे मेजर कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, अगर आप ऐसा सॉल्व करते हो तो आपको कंफर्म आंसर कुछ और आएगा। तो ये नेटवर्क थ्योरी का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, इसको मैंने डिस्कस इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये जो x है अपने पास, ये x, ये नोड x जो है वो एक रेफरेंस नोड को शो कर रहा है, ध्यान रखना सर, ये y ये भी रेफरेंस नोड को शो कर रहा है, इसलिए रेफरेंस नोड का ऑलवेज मेजरमेंट जो होता है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहां पे ग्राउंड लेके सॉल्व किया हुआ है इसको, और उसी ग्राउंड पे हमें केवल अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और अगर अपन इसे बोलते हैं ना कि अगर अपने पास लेट सपोज कोई एक नोड है और इस नोड से इस नोड के बीच, मतलब प्लस माइनस लेट सपोज वी है और ये मेरे पास वी टू, ये
तो अपन क्या बोलते हैं कि सर V1 और V2 जो दो नोड यहां पे लगे हुए हैं उसके बीच में अपने पास VA कनेक्टेड है वोल्टेज सोर्स। अब ये वोल्टेज सोर्स जो होगा वो डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक। और इसी के जगह पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, आपको याद होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अगर अपन यहाँ पे केवल लिखते हैं तो मैं कुछ इसको प्लस और माइनस इस तरीके से मेजर करता हूं और यहाँ पे केवल फॉर्म करता हूं तो मुझे मिलता है V1 - V2 = VA। तो ये मेरे पास थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो नोड शो कर रहे हैं, अगर मैं ये V1 और V2 नोड की बात करता हूं तो ये मेरे पास नॉन रेफरेंस नोड हो गए। क्या अपने पास ही सर, ये अपने पास हो गया नॉन रेफरेंस नोड, ठीक। लेकिन अगर मैं इस चीज की बात करता हूं तो मेरे पास ये एक रेफरेंस नोड को शो कर रहा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि इस नोड का जो वोल्टेज होगा वो 3 ओम के क्रॉस होगा या इस नोड का जो वोल्टेज होगा वो 3 ओम के क्रॉस होगा। समझना की बात। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन का डिस्कशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर से एक अच्छे क्वेश्चन की हम बात करने वाले, ठीक है। सो टाइम क्लास, बाय बाय।